फिजिक्स 50 में आपका स्वागत है। आज हम लोग कैपेसिटर का लेक्चर नंबर 4 देखेंगे। आज का टॉपिक है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ कंपाउंड डाइलेक्ट्रिक, मतलब दोनों प्लेट के बीच में एक से ज़्यादा डाइलेक्ट्रिक रखा गया है। इसका हम लोग कैपेसिटेंस फाइंड आउट करेंगे। चलिए सबसे पहले दो प्लेट लेंगे। प्लेट नंबर 1 और एक और प्लेट लेंगे इसके पैरेलल, प्लेट नंबर 2। दोनों प्लेट के बीच में डिफरेंट डिफरेंट मीडियम रखेंगे हम लोग। ये हो गया फर्स्ट मीडियम, ये आपका हो गया सेकेंड मीडियम, ये हो गया थर्ड मीडियम। ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट मीडियम का डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन 1 ले रहे हैं यहाँ पे, K1 भी ले सकते थे। दूसरा का एप्सिलॉन 2 ले रहे हैं और तीसरा का एप्सिलॉन 3 ले रहे हैं। ये आपका फर्स्ट मीडियम है, ये आपका सेकेंड मीडियम है, और ये आपका थर्ड मीडियम है। ये फर्स्ट मीडियम, ये सेकेंड मीडियम, ये थर्ड मीडियम। अब हम लोग दोनों प्लेट को एक बैटरी से कनेक्ट करेंगे। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल को प्लेट नंबर 1 से कनेक्ट किए और नेगेटिव टर्मिनल को प्लेट नंबर 2 से कनेक्ट किए। ध्यान दीजिएगा, बैटरी का प्लस टर्मिनल क्या करेगा, इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। जैसे यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। और बैटरी का काम है इलेक्ट्रॉन को चलाते रहना, तो जितना इलेक्ट्रॉन ये प्लेट से लिया वो पूरा इलेक्ट्रॉन इस प्लेट को देगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा लेते हैं और इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ तो ये आपका पॉजिटिव चार्ज हो गया, और यहाँ पे एक्सेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ तो ये निगेटिव चार्ज हो गया। जब दोनों प्लेट के बीच में कोई मीडियम नहीं रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग ई नॉट लेते हैं। जब दोनों प्लेट के बीच में मीडियम एयर हो, और जब हम लोग दोनों प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक्स डालते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करता है। कितना हो जाता है, ई नॉट बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। पिछला लेक्चर में हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के लिए थे, यहाँ पे कितना है, एप्सिलॉन 1 है। तो फर्स्ट मीडियम में कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन 1 से डिवाइड हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करेगा। इसी प्रकार सेकेंड मीडियम में निकालेंगे, थर्ड मीडियम में निकालेंगे। चलिए पहले फर्स्ट मीडियम के लिए निकालते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन फर्स्ट मीडियम कितना हो जाएगा, E1 इक्वल टू ई नॉट बाय एप्सिलॉन 1, और ई नॉट का वैल्यू हम लोग जानते हैं जी कितना होता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन 1 हो जाएगा। इसी प्रकार सेकेंड मीडियम के लिए निकाल लेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन सेकेंड मीडियम कितना हो जाएगा, E2 इक्वल टू ई नॉट बाय सेकेंड मीडियम का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना लिए हैं, एप्सिलॉन 2 लिए हैं, और ई नॉट का वैल्यू हम लोग जानते हैं कितना होता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा बाय
एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन टू हो गया। अब थर्ड मीडियम के लिए निकाल लेते हैं, इंटेंसिटी इन मीडियम ई थ्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई नॉट बाय इसका डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट से डिवाइड कर दीजिएगा एप्सिलॉन थ्री, फिर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन थ्री हो जाएगा। अब दोनों प्लेट के बीच में हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाह रहे हैं, तो इसके लिए हम लोग को ये डिस्टेंस पता होना चाहिए। तो ये वाला डिस्टेंस हम लोग ले रहे हैं डी वन, ये वाला डिस्टेंस ले रहे हैं डी टू, और ये वाला डिस्टेंस ले रहे हैं डी थ्री। यहाँ पे दिखा दे रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, थोड़ा जगह कम पड़ गया। ई नॉट ध्यान दीजिएगा जी, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, ई वन इंटू डी वन। हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस निकल जाएगा। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वी इक्वल टू वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री, पोटेंशियल डिफरेंस भी इक्वल टू भी वन प्लस भी टू प्लस भी थ्री। ध्यान दीजिएगा भी वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई वन इंटू डी वन, भी टू इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई टू इंटू डी टू, और भी थ्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई थ्री इंटू डी थ्री। चलिए इधर लिखते हैं भी इक्वल टू ई वन डी वन प्लस ई टू डी टू प्लस ई थ्री डी थ्री। चलिए भी का वैल्यू यहाँ से हम लोग पुट करते हैं, ई वन कितना है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन वन, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन वन डी वन प्लस सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन वन एप्सिलॉन टू हो जाएगा डी टू, और ये हो जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन थ्री डी थ्री। ध्यान दीजिएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट सब में है, कॉमन कर लीजिए, तो भी इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट डी वन बाय एप्सिलॉन वन प्लस डी टू बाय एप्सिलॉन टू प्लस डी थ्री बाय एप्सिलॉन थ्री। ध्यान दीजिएगा जी यहाँ पे सिग्मा बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, सिग्मा बराबर लिख सकते हैं क्यू बाय ए, तो भी इक्वल टू सिग्मा की जगह पुट कर दीजिए क्यू क्यू ए एप्सिलॉन नॉट डी वन बाय एप्सिलॉन वन प्लस डी टू बाय एप्सिलॉन टू प्लस डी थ्री बाय एप्सिलॉन थ्री। हम लोग जानते हैं कैपेसिटेंस कितना होता है, सी इक्वल टू क्यू बाय वी, क्यू बाय पोटेंशियल डिफरेंस, कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा जी C इक्वल टू Q बाय भी। ध्यान दीजिएगा C इक्वल टू Q
वी का वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे, कितना है क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, डी वन बाय एप्सिलॉन वन प्लस डी टू बाय एप्सिलॉन टू प्लस डी थ्री बाय एप्सिलॉन थ्री। ध्यान दीजिएगा क्यू से क्यू कट जाएगा, ये ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, चलिए इधर लिख देते हैं, तो सी इक्वल टू हम लोग का निकल जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी वन बाय एप्सिलॉन वन प्लस डी टू बाय एप्सिलॉन टू प्लस डी थ्री बाय एप्सिलॉन थ्री। बहुत आसान है, एक बार फिर से देख लीजिए। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन फर्स्ट मीडियम। फर्स्ट मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए क्या कीजिएगा, ई नॉट को इसका डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट से डिवाइड कर दीजिएगा, और ई नॉट का वैल्यू आप जानते हैं दोनों प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। इसी प्रकार सेकेंड मीडियम के लिए क्या कीजिएगा, सेकेंड मीडियम के लिए ई नॉट को इसका डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट से डिवाइड कीजिएगा, फिर ई नॉट का वैल्यू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट पुट कर दिए। इसी प्रकार थर्ड मीडियम के लिए निकाल लिए ई थ्री इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन थ्री निकल गया। अब पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री, तीनों का डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट का वैल्यू अलग अलग है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी अलग अलग होगा। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, वी इक्वल टू वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा वी वन इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई वन डी वन, ई टू डी टू, और वी थ्री को क्या लिख सकते हैं, ई थ्री डी थ्री। तो ई वन का वैल्यू यहाँ से रख दिए, फिर ई टू का वैल्यू रख दिए, फिर ई थ्री का वैल्यू रख दिए। अब सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट सब में था, कॉमन कर लिए, बचा क्या, डी वन बाय एप्सिलॉन वन, डी टू बाय एप्सिलॉन टू, डी थ्री बाय एप्सिलॉन थ्री। ध्यान दीजिएगा सिग्मा इक्वल टू क्या जानते हैं हम लोग, क्यू बाय ए जानते हैं, यहाँ पर रख दिए क्यू बाय ए। अब देखिए कैपेसिटेंस क्या होता है जी, सी इक्वल टू क्यू बाय भी होता है, ये भी का मान यहाँ पे रख दिए, क्यू से क्यू कट गया, ये नीचे वाला ए एप्सिलॉन और ऊपर चला गया, फाइनल फॉर्मूला निकल गया सी इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट डी वन बाई एप्सिलॉन वन, डी टू बाई एप्सिलॉन टू, डी थ्री बाई एप्सिलॉन थ्री। इसको याद रखने का एक ट्रिक है, देखिए हम लोग के पास फॉर्मूला क्या है, सी इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। पैरेलल प्लेट के लिए फॉर्मूला क्या है, सी इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। जब दोनों प्लेट के बीच में एयर रहेगा उस समय हम लोग फॉर्मूला फाइंड आउट किए थे, सी इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। ध्यान दीजिएगा ये टोटल डिस्टेंस डी जो है तीन पार्ट में डिवाइड हुआ है, डी वन डी टू और डी थ्री। तो उस डी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी वन प्लस डी टू प्लस डी थ्री, और क्या कीजिएगा डी वन को इसका डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट से डिवाइड कर दीजिएगा। देखिए वही किए हैं, डी वन को इसका डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट से डिवाइड किया, फिर डी टू को इसका डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट से डिवाइड किया, फिर डी थ्री को इसका डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट से डिवाइड किए हैं, और सबको ऐड करके डिवाइड कर दिए हैं। बस डी के जगह चेंज हो जाएगा डी वन प्लस डी टू प्लस डी थ्री, और हर एक मीडियम का डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट से डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे दोनों प्लेट के बीच में हाफ जो है एक पोर्शन भरा हुआ है डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट से कोई मीडियम से, और दूसरा पार्ट जो है खाली है, तो उस समय कैपेसिटेंस का वैल्यू कितना होगा ये फाइंड आउट करेंगे। चलिए प्लीज़ इसको नोट कर लीजिए वीडियो रोक के, चलिए आप लोग नोट कर लीजिएगा, हम आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है जी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ पार्शियली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक, मतलब दोनों प्लेट के बीच में कुछ पार्ट खाली है और कुछ पार्ट डाइलेक्ट्रिक से भरा गया है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया हुआ है। चलिए हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले दो प्लेट बना लेते हैं, ये आपका प्लेट नंबर वन है,
इसके पैरेलल एक और प्लेट लेंगे, अब इसका कुछ पार्ट जो है डाइलेक्ट्रिक से भरा है, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे दिया है के। दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस हम लोग को पता है डी है, और ये जो मीडियम हम लोग डाले हैं डाइलेक्ट्रिक, इसका थिकनेस टी है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, डी माइनस टी हो जाएगा। ये पूरा डी है और ये वाला कितना थिकनेस इसका टी है, तो डी में ये टी घट जाएगा तो डी माइनस टी हो जाएगा। इसको हम लोग एक बैटरी से कनेक्ट किए हैं, फर्स्ट वाला प्लेट बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है और ये वाला नेगेटिव टर्मिनल से। ध्यान दीजिएगा जी, पॉजिटिव टर्मिनल से जो कनेक्ट है वो पॉजिटिव हो जाएगा और जो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है वो नेगेटिव हो जाएगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन लेगा तो यहाँ पे डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन लिया इस प्लेट को दे देगा तो यहाँ पे एक्सेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो ये निगेटिव हो जाएगा। इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा, इसका माइनस सिग्मा। ध्यान दीजिएगा जी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ई नॉट हो जाएगा क्योंकि एयर है, और इस मीडियम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा। डिक्रीज करके कितना हो जाएगा जी, पिछला क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे, ई नॉट बाई के हो जाएगा, है ना। अब दोनों प्लेट के बीच में हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे तो कैपेसिटेंस बड़ा आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल गया, ये कितना है ई नॉट, इसमें कितना है ई नॉट बाई के। चलिए इसको हम लोग मान लेते हैं वन, इसको मान लेते हैं टू। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो हो जाएगा लिखते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू वी वन प्लस वी टू। वी वन क्या हो जाएगा जी, ई वन डी वन प्लस ई टू डी टू। देखिए ई वन का वैल्यू कितना है ई नॉट, और डी वन का वैल्यू कितना है डी माइनस टी। ई टू का वैल्यू कितना है ई नॉट बाय के, और डी टू का वैल्यू कितना है टी। कुछ कॉमन आ रहा है, ई नॉट कॉमन कर लेते हैं, ई नॉट कॉमन करने से क्या आ जाएगा डी माइनस टी प्लस टी बाय के। ध्यान दीजिए ई नॉट का वैल्यू कितना होगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा की जगह क्या पुट कीजिएगा क्यू बाय ए, तो क्यू ए एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। यानी भी हम लोग का निकल गया जी, भी इक्वल टू क्यू ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाय के। चलिए अब हम लोग इधर कैपेसिटेंस निकाल लेते हैं, कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा जी, C
इक्वल टू हम लोग जानते हैं क्यू बाय वी, तो सी इक्वल टू क्यू बाय वी का वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे, क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट बाय क्यू ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाय के। ध्यान दीजिए क्यू से क्यू कट जाएगा तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा A एप्सिलॉन नॉट बाय D माइनस टी प्लस टी बाय के। एक बार फिर से देख लीजिए, आसान है। दो पैरेलल प्लेट लिए, इसका कुछ पोर्शन खाली है और कुछ पोर्शन डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, एक मीडियम से भरा गया है इसको। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट होगा तो इसमें क्या हो जाएगा, E नॉट बाय डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है K, पूरा D है इसका थिकनेस T है तो क्या हो जाएगा D माइनस T हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा V1 प्लस V2, V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा E1 D1 प्लस E2 D2। E1 का वैल्यू जो था E नॉट यहाँ पे पुट कर दिए, D1 कितना था D माइनस टी और D2 कितना था देखिए T, E0 दोनों में है कॉमन कर लिए। E0 का वैल्यू आपको पता है, पैरेलल प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा क्या होता है क्यू बाय ए, यहाँ पे रख दिए, बस फॉर्मूला लगा दीजिए C इक्वल टू क्यू बाय वी, वी का वैल्यू जो था यहाँ पे रख दिए, क्यू से क्यू कट गया निकल गया। इसको याद रखना आसान है जी। देखिए जब हम लोग इसका फॉर्मूला लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, दोनों प्लेट के बीच में डिस्टेंस कितना है डी है और जितना मोटाई का इसमें डाइलेक्ट्रिक्स डाले हैं उसको यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा और उस थिकनेस को उसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड करके ऐड कर दीजिएगा। एक बार फिर से बोल रहे हैं, दोनों प्लेट के बीच के डिस्टेंस में से जो डाइलेक्ट्रिक का थिकनेस है उसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है और उस थिकनेस को उसके डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड करके ऐड कर देना है। चलिए एक ठो और प्रॉब्लम लेते हैं इसमें। इस बार दो गो मीडियम अलग अलग है और कुछ पोर्शन खाली है, नोट कर लीजिए इसको पहले वीडियो रोक के। चलिए मिटा रहे हैं, फिर से दो पैरेलल प्लेट लेंगे, इस बार दो अलग अलग मीडियम इसमें है, एक का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है और दूसरा का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है। इसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है। इसका थिकनेस D1 ले रहे हैं और इसका थिकनेस D2 ले रहे हैं और दोनों प्लेट के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपका डी है। प्लेट नंबर 1 को बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर रहे हैं और प्लेट नंबर 2 को नेगेटिव से। ध्यान दीजिएगा पॉजिटिव वाला जो कनेक्ट है वो पॉजिटिव हो जाएगा और नेगेटिव वाला से जो कनेक्ट है वो नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा तो डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन तो पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे एक्सेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव चार्ज। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ई नॉट क्योंकि एयर है, यहाँ भी कितना होगा ई नॉट क्योंकि एयर है,
लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू डिक्रीज करेगा जी, कितना हो जाएगा, ई नॉट बाय के वन हो जाएगा, यहाँ भी डिक्रीज करेगा, कितना हो जाएगा जी, ई नॉट बाय के टू हो जाएगा। अब हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस यदि फाइंड आउट कर लें तो आराम से इसका कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। चलिए पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। V इक्वल टू टोटल तीन हो जाएगा, देखिए एक A हो गया, दो हो गया और ये दोनों मिला के एक, क्योंकि दोनों तो एयर ही है ना। तो V इक्वल टू वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री, यहाँ पे जो एयर वाला मीडियम है जो इसको हम लोग वी थ्री ले लेंगे। तो वी वन इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, ई वन डी वन प्लस ई टू डी टू, और ये हो जाएगा आपका ई थ्री डी थ्री। ई वन कौन होगा, ई वन तो ये वाला होगा, इसको हम लोग ले रहे हैं। तो ई वन बाय सॉरी ई नॉट बाय के वन डी वन, ई टू ये वाला लिए हैं, क्या हो जाएगा ई नॉट बाय के टू इन टू डी टू। अब ई थ्री क्या हो जाएगा जी, ई थ्री तो ई नॉट ही होगा ना, दोनों को साथ लिख रहे हैं क्योंकि दोनों एयर ही हैं। तो ये वाला और ये वाला का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डी में ये दोनों को जोड़ के घटा देंगे कितना हो जाएगा, इधर नीचे लिख देते हैं इसको, प्लस ई नॉट इन टू डी माइनस डी वन प्लस डी टू हो जाएगा। दोनों को सब्ट्रैक्ट ही कर देते हैं एक बार में, डी माइनस डी वन माइनस डी टू। देखिए सब में ई नॉट कॉमन है, कॉमन कर लीजिए तो भी इक्वल टू निकल जाएगा आपका ई नॉट कितना आ गया, डी वन बाय के वन प्लस डी टू बाय के टू प्लस डी माइनस डी वन माइनस डी टू। सीधा करके इसको लिख देते हैं, भी इक्वल टू हो जाएगा ई नॉट डी माइनस डी वन माइनस डी टू प्लस डी वन बाय के प्लस डी टू बाय के। ध्यान दीजिएगा जी, ई नॉट का वैल्यू हम लोग को पता है, क्योंकि ई नॉट इक्वल टू क्या होता है जी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्यू बाय ए ई नॉट हम लोग को पता है, क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट इसमें रख दीजिए, यानी भी इक्वल टू आपका निकल गया क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस डी वन माइनस डी टू प्लस डी वन बाय के वन, सॉरी यहाँ पे के वन होगा और यहाँ पे के टू होगा। डी वन बाय के वन प्लस डी टू बाय के टू, अब निकालते हैं कैपेसिटेंस हम लोग।
कैपेसिटेंस इक्वल टू क्या होता है जी, सी इक्वल टू क्यू बाय भी होता है। तो सी इक्वल टू क्यू का वैल्यू, भी का वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए, क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट, थोड़ा जगह कम पड़ जाएगा, थोड़ा पीछे से लिखते हैं, तो C इक्वल टू हो जाएगा Q बाय ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस डी वन माइनस डी टू प्लस डी वन बाय के वन प्लस डी टू बाय के टू। ध्यान दीजिएगा Q से Q कट जाएगा तो ये वाला ऊपर चला जाएगा ना, तो C इक्वल टू निकल गया आपका A एप्सिलॉन नॉट बाय डी माइनस डी वन माइनस डी टू प्लस डी वन बाय के वन प्लस डी वन बाय के वन प्लस डी टू बाय के टू। आसान है जी, हम लोग जानते हैं जब दोनों प्लेट के बीच में एयर होता है तो फॉर्मूला क्या होता है, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी होता है। अब देखिए हम लोग दो यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक्स डाले हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के वन और के टू वाला, इसका थिकनेस कितना है डी वन, इसका थिकनेस कितना है डी टू। तो क्या करना है, डी में दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, डी वन और डी टू को, जिसे पिछले बार में भी बताए थे, डी वन और डी टू को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और इसके थिकनेस को इसके डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड करके और इसके थिकनेस को इसके डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड करके ऐड कर दीजिएगा। एक बार फिर से सुनिए, टोटल डी में जितना थिकनेस का डायलेक्ट्रिक्स आप डाले हैं उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा और इस थिकनेस को इसके डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट से और इसके थिकनेस को इसके डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड करके दोनों को ऐड कर देना है तो निकल जाएगा। अब चलिए हम लोग बात करेंगे, यदि बीच में मेटल रख दिया जाए, यहाँ पे तो दोनों डायलेक्ट्रिक है, अब एक यदि मेटल हो तो उस केस में कैपेसिटेंस कितना होगा। तो इसके लिए हम लोग को पता करना पड़ेगा कि मेटल के लिए डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है। चलिए देखते हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए वीडियो रोक के, चलिए मिटा रहे हैं हम, एक बार फिर से थोड़ा समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे एयर था, यहाँ पे एयर था तो ई नॉट हो गया, यहाँ पे डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के वन था तो ई नॉट बाय के वन हो गया, यहाँ पे क्या हो गया ई नॉट बाय के टू। हम बताए थे डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड कर दीजिएगा तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा उस मीडियम में। अब यहाँ पे टोटल पोटेंशियल डिफरेंस निकालना था तो वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री हो जाएगा। तो इसके लिए ई वन डी वन हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, इसके लिए ई टू डी टू हो गया और बाकी जो बचा ये दोनों, इसके लिए ई थ्री इंटू डी थ्री हो गया। ध्यान दीजिएगा ई वन का वैल्यू यहाँ पर रख दिया ई नॉट बाय के वन, यहाँ ई नॉट बाय के टू और ई थ्री क्या हो जाएगा, ई थ्री तो ई नॉट ही होगा। ये दोनों डिस्टेंस कितना होगा देख लीजिए थोड़ा सा, ये दोनों का जो डिस्टेंस होगा थिकनेस होगा एयर वाला, ये डी में दोनों को जोड़ के घटा दीजिएगा तो डी में दोनों घट जाएगा, डी वन माइनस डी टू हो जाएगा। सब में ई नॉट है जी, कॉमन कर लिए, सब में ई नॉट है तो कॉमन कर लिए, यह क्या निकल गया ई नॉट डी माइनस डी वन माइनस डी टू प्लस डी वन बाई के वन डी टू बाई के टू। अब ई नॉट का वैल्यू आप जानते हैं सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, सिग्मा का वैल्यू क्यू बाई ए पुट कर दिया, ई नॉट का वैल्यू यहाँ पे रख दिए, उसके बाद कैपेसिटेंस क्या होता है सी इक्वल टू क्यू बाय वी, क्यू से क्यू कट गया, ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला गया, निकल गया ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी माइनस डी वन माइनस डी टू प्लस डी वन बाय के वन डी टू बाय के टू। चलिए अब बात करते हैं मेटल के लिए डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट का वैल्यू कितना होता है।
वैल्यू ऑफ डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के फॉर मेटल्स, मेटल्स या कंडक्टर के लिए डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू क्या होगा, ये हम लोग को फाइंड आउट करना है। चलिए पहले दो पैरेलल प्लेट लेते हैं, दोनों प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक की जगह हम लोग एक मेटल को रखेंगे। यह आपका पॉजिटिव प्लेट है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का पोलराइजेशन होगा तो इधर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, इधर डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। जब दोनों प्लेट के बीच में एयर रहता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग क्या लेते हैं, ई नॉट लेते हैं, और जब इसके अंदर हम लोग डाइलेक्ट्रिक डालेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करेगा और ई नेट इक्वल टू क्या हो जाता है, ई नॉट बाय के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और हम लोग जानते हैं जी मेटल या कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा जीरो, यानी ई नेट जीरो होगा मेटल के लिए, तो जीरो इक्वल टू ई नॉट बाय के, तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई नॉट बाय जीरो, यानी के इक्वल टू किसी चीज को हम लोग जीरो से डिवाइड करते हैं क्या हो जाता है, इन्फिनिटी हो जाता है। यानी मेटल के लिए डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा है तो याद रख लीजिएगा। और एयर के लिए डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है, वन होता है, एयर के लिए याद रखना है वन और मेटल के लिए, मेटल के लिए क्या हो जाएगा, के इक्वल टू इन्फिनिटी। कहने का मतलब जब हम लोग इसके अंदर मेटल डालेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू को इन्फिनाइट टाइम्स कम कर देगा, और कोई चीज़ को यदि इन्फिनाइट टाइम्स कम कर दिया मतलब क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा, है ना। कहने का मतलब जी जितना यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है उतना ही यहाँ पे निगेटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा, क्योंकि कंडक्टर के पास तो बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है, जितना ज़्यादा यहाँ पे चार्ज रहेगा पॉजिटिव चार्ज उतना ज़्यादा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर देगा, जीरो कर देगा। एक्चुअली होता क्या है, देखिए दोनों प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर था, मेटल होने की वजह से जितना यहाँ पे चार्ज था उतना ही चार्ज यहाँ पे निगेटिव चार्ज अपीयर हो गया और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो गया। तो अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, ये दोनों घट के क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। चलिए दिखाते हैं प्रूफ करके, हम लोग पिछला क्लास में देखे थे इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना था जी, सिग्मा आई इक्वल टू सिग्मा वन माइनस वन बाई के, इसको हम लोग डेराइव किए थे। अब देखिए यहाँ पे कितना चार्ज इंड्यूज होगा, के का वैल्यू कितना होता है, देखिए मेटल के लिए इन्फिनिटी, तो वन माइनस इन्फिनिटी पुट कर दीजिए, तो सिग्मा आई इक्वल टू सिग्मा वन समथिंग बाय इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, सिग्मा आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा हो जाएगा। मतलब यहाँ पे जितना सरफेस चार्ज डेंसिटी था इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी उतना ही हो जाएगा, जिसके वजह से ई नॉट का वैल्यू और ई का वैल्यू क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इस केस में ई नॉट इक्वल टू ई होगा, तो ई नेट कितना हो जाएगा जी, ई नॉट माइनस ई, यानी ई माइनस ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कहने का मतलब इसके पास मेटल के पास बहुत सारा इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ पे जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही यहाँ पे निगेटिव चार्ज डेवलप कर जाएगा और उतना ही यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, तो इन दोनों प्लेट के वजह से जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड इस मेटल के अंदर
अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, जीरो हो गया। चलिए अब आगे बात करते हैं, दोनों प्लेट के बीच में यदि एक मेटल को रखते हैं तो कैपेसिटेंस का वैल्यू कितना होता है? दो पैरेलल प्लेट लेंगे, दोनों प्लेट के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक डाले हैं हम लोग और दूसरा एक मेटल है। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू K1 है और इसको हम लोग K2 लिए हैं। इसका थिकनेस D1, इसका थिकनेस D2, टोटल आपका D है। ये आपका डाइलेक्ट्रिक है और ये आपका मेटल है। अब हम लोग को इसका कैपेसिटेंस निकालना है। बैटरी से कनेक्ट कर दीजिए, बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है वो पॉजिटिव हो जाएगा, जो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है वो नेगेटिव हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इसका कैपेसिटेंस का वैल्यू हम निकालने सिखाए थे आप लोग को, C इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एप्साइलन नॉट बाय डी में क्या कीजिएगा, D1 माइनस D2 प्लस D1 बाय K1 प्लस D2 बाय K2। क्या बोले थे कि टोटल डिस्टेंस में से जो हम लोग डाइलेक्ट्रिक्स डाले हैं दोनों का थिकनेस को सब्ट्रैक्ट कर देना है और इसके थिकनेस से इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को डिवाइड करना है और इसके थिकनेस को इसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड करना है और दोनों को ऐड कर देना है। तो ध्यान दीजिएगा जी, जब यहाँ पे मेटल का बात आएगा तो ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस D1 माइनस D2 ये डाइलेक्ट्रिक है तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस D1 बाय K1 तो होगा, लेकिन K2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। अभी हम लोग देखें मेटल के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है, इन्फिनिटी होता है। तो क्या हो जाएगा, D2 बाय इन्फिनिटी हो जाएगा, तो समथिंग बाय इन्फिनिटी क्या होता है, जीरो होता है। तो C इक्वल टू निकल जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी माइनस D1 माइनस D2 प्लस D1 बाय K1, ये क्या हो गया, जीरो हो गया। तो फाइनल आपका निकल गया C इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी माइनस D1 माइनस D2 प्लस D1 बाय K1। बस इसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू क्या ले लेना है, इन्फिनिटी ले लेना है। आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पैरेलल और सीरीज में कनेक्ट करने के लिए सीखेंगे कैपेसिटर को।